बड़ी खबर आ रही है रीवा से, जहां रीवा मां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो के मामला सामने आ रहा है। हालात यह कि रीवा मां आए दिन गोलीबारी, बंदूकबाजी खुलेआम हो रही है। ऐसा नजारा हो गया है कि रीवा मां अपराधीन के गढ़ बनत जाल लाग है। रीवा मां हालात यह भी कि सिविल लाइन एरिया मां एक युवक घर के बाहर टहर रहा, तो हालात यह भी कि नकाबपोश बदमाशन के द्वारा उसके पैर में गोली मार के भागे के मामला सामने आवा है। विधि क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के, जो हम अपना पंचन बताया दी कि रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काले चौराहा और झिरिया पुल के बीच में सोमवार की देर रात बेखौफ नकाबपोश बदमाशों के द्वारा फायरिंग करके दहशत फैलाए दी गई। यह दौरान जो है बाइक से घर लौट रहे युवक के बाएं पैर में बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गए, जौने माओ गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा युवक का अस्पताल पहुंचाने के बाद बात जो है जांच शुरू कर दी गई। बतावे यह बागा कि युवक रात में टहल रहा, तब चेहरा मान नकाब बांधे बाइक सवार दो युवक आए और युवक के पैर में गोली मार के भाग गए। फायरिंग के आवाज सुन के पुलिस थाना के बल जो है मौके पर पहुंचा रहा, युवक लहूलुहान जो है पड़ा रहा। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवक जो घायल है वह नशा में रहा, ऐसा मां बयान नहीं दे पाबा। आनंद फानन मां एम्बुलेंस के मदद से घायल का संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा बगा, जहां वो खतरे से बाहर है। अपना बजट बताया दी कि सिविल लाइन पुलिस के अनुसार गेंदा लुनिया उम्र 25 वर्ष निवासी जय स्तंभ के पास कबाड़ी टोला सोमवार के रात करीब 10 बजे नशे के हालत में टहला रहा। जैसे ही युवक काले चौराहा के पास पहुंचा तो दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाश आए और थोड़ का बाइक के स्पीड धीमी करीन और कट्टा निकाल के पैर में गोली मार दी। गोली पैर में धंसते युवक जमीन में गिर गया, तब पुलिस के पास गोली चले की सूचना आई। जानकारी के बाद जो है पुलिस मौके से जो है घायल युवक का एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराई। मामला में पुलिस अभी तक यह सही सुराग नहीं पता लगा पाई है कि घटना काहे की, यह पूरे घटना का लेके अब तरह तरह के चर्चा हो लागी। बतावाइया का थाना प्रभारी सिविल लाइन मंगलवार के सुबह करीब 11 बजे घायल गेंदा लुनिया का देखे और बयान दर्ज करे खींच संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। पुलिस के अनुसार घायल युवक अब सही बयान नहीं दे लगा है। उनके द्वारा जो है पुलिस का जो बतावा गा कि नशे के गोली खाई के बाद स्कूटी बाइक से काले चौराहा का रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा स्कूटी के तस्दीक कराई गए तो घरे में पाई गए। ऐसा नशे के कारण घायल युवक सही बयान नहीं दे लगाए। घायल के द्वारा पुलिस का बतावा गा कि जैसा जैसा ओका याद आवत जी वो ऐसा वैसा जानकारी दे। किंतु सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर रीवा काहे अपराधीन के गढ़ बना जा लागे, काहे रीवा मा यह में बंदूकबाजी खुलेआम गोलीकांड मतलब अंजाम दिन जाते और पुलिस का कह रही है, का रीवा मा पुलिस असलहा के अड्डा बनाए दे चाहती, का रीवा का अपराध के केंद्र बनाए दे चाहती। आखिर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काहे मुकर रही है, रीवा मा आखिर यह में अवैध गतिविधि कब रुकी, काहे कि रीवा मा या कहा जाए कि विंध्य प्रदेश के राजधानी है वहां छोट छोट लड़का, या फिर कहा जाए कि शिक्षा के खीतिर वहां काफी संख्या में जो है विद्यार्थी रहा थे, किंतु उनके जान माल के सुरक्षा की जिम्मेदारी रीवा पुलिस के है, तक कहां है रीवा पुलिस के वह सुरक्षा की जिम्मेदारी, जोने से उनका परिवार और आमजन जो शहरी लोग हैं वह भयमुक्त रह पाए। तो जल्द से जल्द रीवा पुलिस का कमर कसे चाहिए और ऐसा गुंडा बदमाशन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए चाहिए। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।